सुनो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ब्लॉक का मास 1.3 केजी है, इस ब्लॉक का मास 1.5 केजी है, इसका मास 3.45 केजी है, एंगल इज 37 डिग्री और जो बेस का लेंथ हो 2 मीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला ब्लॉक इनिशियली यहाँ पर नहीं है, ये ब्लॉक इनिशियली टॉप पे है। ये क्वेश्चन में मैंसन है कि ये ब्लॉक इनिशियली टॉप पे है और पूरा सर्फिस फ्रिक्शन लेस है। अगर मैं इस सिस्टम को छोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक इस पर नीचे को फिसलेगा तो इधर आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ब्लॉक कितने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे है। तो वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी ऑफ द वेव व्हेन m2 रीचेज एट द बॉटम, m2 का मतलब ये वाला, कह रहा है इस वेव की वेलोसिटी बताइए जब m2 यहाँ से यहाँ तक आए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सही बात है, जब ये ब्लॉक यहाँ सरकते हुए यहाँ पर आएगा तब तक इधर भागेगा ना। पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी बताइए जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला पार्ट, टेंशन बताइए रस्सी में कितने का टेंशन है। तो अगर हमें पता करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हुई तो सबसे पहले इसका एसर्शन निकालना पड़ेगा। नहीं, अगर मैंने इसका एसर्शन निकाल लिया तो ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा वो समय फाइंड आउट कर लूँ। भाई अगर पता चल जाए ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगाया, मान लो टाइम टी लगाया, तो टी टाइम में इसका एसर्शन तो ए1 है ना, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी जाएगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी जाएगी v1 बराबर u+at, इनिशियली रेस्ट में था, बराबर a1 इंटू टी कर देंगे आंसर आ जाएगा। यानी इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, a1t होगी। a1 क्या है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, ये जो ब्लॉक है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। तो अब मेरा दिमाग काम किस में कर रहा है, इस वेस्ट का एक्सेलरेशन निकालने में, और दूसरा किस में काम कर रहा है कि इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि अब a1 निकालना है तो f बराबर m इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेंगे ना। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन ऐसे मान लिया, दिस एक्सेलरेशन इज a2, और इसका एक्सेलरेशन मैंने अपने मन से a3 मान लिया, ठीक है। और ये जो a3 मैंने माना है ना, इंक्लाइन के सरफेस के पैरल माना है, तो ये इसका मतलब है कि मैंने इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन मैं इंक्लाइन के फ्रेम में माना है, तभी तो मैंने पैरल माना है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइन के फ्रेम में मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो अब a1 कैलकुलेट करेंगे, a2 कैलकुलेट करेंगे, a3 कैलकुलेट करेंगे। अगर a1 a2 a3 आ जाए तो a1 तो मिल गया, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 2 मीटर है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ब्लॉक का इस इंक्लाइन के फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर सेक 37 बनेगा ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको मैं x बोल, तो x की वैल्यू आएगी 2 sec 37 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेनस है ना, इसका एक कॉस होता है तो इसका एक सेक बनेगा, सही है ना। तो ये बनेंगे 2 sec 37 कितना होगा, 5/4 होता है, तो वैल्यू हो गई 5/2। तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस इंक्लाइन के फ्रेम में क्या हो गया, 5/2 हो गया। अब टाइम निकालना पड़ेगा इस ब्लॉक के लिए, तो इसको लिखेंगे s/ut+2, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5/2, तो 5/2 बराबर हाफ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 × t²। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई, इट इज़ √5/a2, 2 से 2 कट गया। इस t की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 √5/a2। अब हमारा आंसर आ जाएगा अगर a1 और a2 कहीं से निकालना है, तो a1 a2 को कैलकुलेट करना है, तो अब f बराबर m की इक्वेशन लिखना पड़ेगी, FBD बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक की FBD बनाई, तो टेंशन t तुम ऐसे दिखाओगे, अगर t इस तरीके से तो इस पर f बराबर m क्या लिखोगे, t = mass × acceleration, सही है। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। इसके बाद इस ब्लॉक पर इक्वेशन लिखना है, तो इस ब्लॉक पर इक्वेशन लिखना है तो एक तो तरीका है कि इसकी अलग FBD बनाओ, इसकी अलग FBD बनाओ, इस पर बराबर में लिखो, इस पर बराबर, या पूरे को सिस्टम मान लो। इससे हमको फायदा क्या होगा कि इसके इसके बीच का जो नॉन डायरेक्शन होगा इंटरनल की तरह से गैप हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूँ, इस पूरे को सिस्टम मान लूँ, तो टेंशन टी इधर दिखेगा, बाकी सारे फोर्स इंटरनल हो जाएंगे, और mg तो डाउनवर्ड होंगे, और mg अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो उसका एक्स में कोई यूज नहीं है। तो मैं एक्स के डायरेक्शन फोर्स ही कैसे लिखूंगा इस पूरे सिस्टम पे, तो एक्स के डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम फोर्स क्या है, सिर्फ टी है। तो बनेगा t = इस ब्लॉक का मास m × a1, तो m कितना है इसका, 3.45 × a1 है इस ब्लॉक का हो गया। मैंने कहा था किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स बराबर क्या होता है, m1 a1 + m2 a2, तो m1 × a1 हो गया, एंड प्लस इस ब्लॉक का मास m2 क्वेश्चन में 1.5 दिया गया, इनटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइन फ्रेम में a2 है और इंक्लाइन का a1 है, तो ग्राउंड फ्रेम इसका क्या होगा, इस a1 और इस a2 का वेक्टर सम होगा। तो आप क्या दिखाओगे, ऐसे आप a1 दिखाओगे और ऐसे आप a2 दिखाओगे,
सही है, और ये एंगल 37 है, तो ये एंगल क्या बनेगा 37 बनेगा। तो इस ब्लॉक पे x में इक्वेशन क्या बनेगा, इसका मास 1.5 इंटू इस ब्लॉक के एक्सेसर x में, तो x में क्या बनेगा a1 माइनस a2 cos 45, ठीक है। और इसका एक्सेसर a1 मैंने इधर प्लस मान के लिखा है, तभी तो a1 को मैंने प्लस लिखा है, तो इस पर क्या लिखोगे m2 1.5 इंटू इधर के एक्सेलरेशन, क्या बनेगा a1 माइनस a2 cos 37 डिग्री, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब सेकेंड इक्वेशन बन गया, बट हमारे सामने अननोन अभी भी कितने हैं, तीन हैं, एक a1 अननोन है, एक a2 अननोन है, और एक a3 अननोन है। एक इक्वेशन की और ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो हमने क्या किया कि अब इस ब्लॉक पे अलग से इक्वेशन लिख के देखते हैं क्या बनता है, सिर्फ इस ब्लॉक पे। तो अगर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे, सिर्फ इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे, अगर मैं इस टी पे प्लेस भी कर दूँ ना, तभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि a3 भी अननोन है, a1 भी अननोन है, a2 भी अननोन है, एक इक्वेशन तो और चाहिए। तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, इस ब्लॉक की एफबीडी, तो टेंशन टी हम ऐसे दिखाएंगे, टी तो आएगा ना इस ब्लॉक पे, और इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस तरीके से, और इसका जो वेट आएगा वो डाउनवर्ड दिखेगा, m2g मतलब 1.5 into g का फोर्स आएगा इसके ऊपर, नीचे को इस ब्लॉक पे। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल जो बनेगा इस नॉर्मल रिएक्शन का, जो वर्टिकल एंगल बनेगा इसको ना, ये 37 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 53 डिग्री, क्योंकि इंक्लाइन नॉर्मल वर्टिकल से एंगल बनाएगा, जो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल से 53 बनाएगा, क्योंकि वर्टिकल से 37 बना रहा है। अच्छा, और इस टी को ना बेटर कि यहीं पे दिखाओ, ताकि कंपोनेंट करना आसान हो जाए, और 1.5 यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ इस तरीके से 1.5। अब इस पर इक्वेशन लिखना है, बट हम इसमें ध्यान रखना है कि मैं एन से बचना चाहता हूँ, अगर एन से बचना चाहता हूँ तो मैं इंक्लाइन के डायरेक्शन लगाऊंगा ना, इक्वेशन ऐसे लिखूंगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तभी तो मैं एन से बचूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इसका एक्सेलरेशन a2 ऐसे है, इंक्लाइन के पैरेलल a2 है, तो इस mg का कंपोनेंट बनेगा कितना, 1.5g sin 37 डिग्री, इस mg का ये कंपोनेंट, mg sin 37 डिग्री, सही है। तो mg sin 37 डिग्री माइनस टी, क्योंकि m का कंपोनेंट आएगा नहीं, बराबर इस ब्लॉक का मास कितना है, तो 1.5 है इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस इंक्लाइन का डायरेक्शन कितना है, a2 है, a2 लिख लेंगे, क्योंकि a2 ही नहीं, ये कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, अगर ये a2 है तो एंगल 37 है ना, तो इस a1 का कंपोनेंट भी इधर आएगा, आप क्या लिखोगे a2 माइनस a1 cos 37 डिग्री, सही है। ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद हमको क्या करना होगा, अब तीन इक्वेशन लिख लिया फोर्स का, अब इस a1 a3 और a2 में रिलेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब कॉन्स्टेंट रिलेशन बनाएंगे, तो इस ब्लॉक और इस पुली की बीच दूरी को x1 मान लिया, इस पुली और इस ब्लॉक के बीच दूरी को x2 मान लिया, तो हम लिखेंगे इस तरीके से x1 प्लस x2 बराबर कॉन्स्टेंट। x1 कहीं से लिखना है, तो ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है कितने से, a3 से, तो कम कर रहा है, क्या लिखेंगे माइनस a3, और ये पुली इधर आ रहा है ना इधर a1 से, तो इसको भी कम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस a1 प्लस x2 के नीचे। x2 क्या है, इसके सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी है, तो इसका सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी जो इंक्रीज कर रहा है ना, इस a2 की वजह से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि a2 एक्स्ट्रा वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्स्ट्रा वाला होगा वही तो इस दूरी को इंक्रीज कराएगा। इसका मतलब x2 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ प्लस a2 लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर्थ बन गया। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करोगे, तो चार अननोन है, एक टी अननोन है, एक a1 अननोन है, एक a2 अननोन है, और एक a3 अननोन है, चार इक्वेशन चार अननोन सॉल्व करो, तो a1 a2 आ जाएगा, उसके हम प्लेस करेंगे तो आंसर आएगा।